हेलो, हेलो जी, राधे राधे जी। हेलो करुणा जी, हेलो करुणा जी, गुड आफ्टरनून। हेलो मीनू जी, हेलो दीपक सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड आफ्टरनून। हेलो शिखा जी, राधे राधे जी सबको। एंड जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और फटाफट से शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल पिचवाई जिसको हम फैब्रिक रिलैक्रेलिक कलर्स के साथ कर रहे हैं, है ना? इट्स लुकिंग वंडरफुल ना। बहुत इजी स्टेप्स के साथ करेंगे और बहुत खूबसूरत सी बनाएंगे अपनी पेंटिंग। हेलो स्वाति जी, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून और सबको राधे राधे जी। देखिए, मैं आपको मोल्ड दिखा रही हूँ, कुछ मोल्ड जो मैं जनरली अपने पास रखती हूँ अपने बनाए हुए। हेलो स्वाति जी, ये देखिए, मैंने अभी आपको उस दिन बताया था कि मैंने एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर किया था इन्हीं मोल्ड्स के साथ। तो ये देखिए, ये दो शेप के रोज़ हैं और इनसे मैंने आई थिंक 200 के नियर अबाउट, नहीं 400 फ्लावर्स निकाले थे मैंने इसी मोल्ड में से। और देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। हमें मार्केट से हर समय मोल्ड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मेक योर मोल्ड एट होम विद माई टेक्निक और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा, है ना? थैंक यू वंदना जी फॉर शेयरिंग। प्लीज़ सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। हेलो राधिका जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, ये गणेशा फेस का मोल्ड है मेरे पास। ये दो तरह के मोल्ड हैं, ये देखिए, ठीक है? बहुत अच्छे निकलते हैं इनसे, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, ये मैंने सी शेल का मोल्ड बनाया था। आप इसमें टेक्सचर देख सकते हो, कितना अच्छा टेक्सचर है। हेलो पद्मनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। प्लीज़ शेयर द वीडियो सो दैट इस नए पेज को भी सब लोग पहचान सके, ठीक है? और ये मेरा फेस का मोल्ड है, ये अभी मेरी बेटी से टूट गया। ये है, उसी की डॉल का था। तो ये मैंने, ये देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा लिप्स, नोज, आईज। तो बहुत इजी है मोल्ड बनाना, आप आराम से बना सकते हो। हेलो सम्युक्ता जी, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो पद्मजा जी, प्लीज़ शेयर द वीडियो। ये देखिए, ये फेस का है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है मोल्ड्स में? मेरे पास जितने मोल्ड थे मैंने आपको वो सभी दिखाए हैं। सेम टेक्निक जो मैंने उस दिन बताई थी, उसी टेक्निक से ये सारे मोल्ड बने हैं। जानवी जी, कोई भी क्ले आप यूज़ कर सकते हो। आप मोल्डेड यूज़ कर सकते हो, आप हमारा हैंडमेड क्ले यूज़ कर सकते हो या मार्केट का कोई भी एयर ड्राई क्ले। पर मार्बल क्ले बहुत हैवी होता है, वो मत यूज़ कीजिएगा मोल्ड में, उससे आपका मोल्ड ख़राब हो सकता है। तो कोई भी एयर ड्राई क्ले जैसे कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हमारा मोल्डेड है या फिर जो हैंडमेड क्ले मैं बनवाती हूँ वो है, या फिर कोई एयर ड्राई क्ले जैसे माउंट मार्टे का क्ले बहुत अच्छा है वो, इस तरह के क्ले। बट मार्बल क्ले, सिरेमिक क्ले और पुट्टी क्ले ये मत यूज़ कीजिए। सेकेंड आपका क्वेश्चन था कि अगर हम प्लेट पर ये वाला पेंटिंग बनाएंगे हमारा पिछवाई, तो हम प्लेट को हैंग कैसे करेंगे, है ना? मैंने आपको बोला था कि आप प्लेट पे बना सकते हो। इस तरह के हैंगिंग क्लैम्प्स मिलते हैं मार्केट में, ये 5 रुपीस का एक आता है। मेरे एरिया में ये 5 रुपीस का एक मिलता है।
और मैं इसको हमेशा मोल्डेड की हेल्प से यहाँ पीछे स्टिक करके इस तरह से, ठीक है, ऐसे स्टिक कर लेती हूँ। और मुझे अपने क्लाइंट्स को भेजना हो तो मैं भेज देती हूँ, या अपने घर पर भी आपको लगाना है तो आप इस तरह स्टिक करके लगा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मोल्डेड से स्टिक कीजिए, बहुत अच्छा स्टिक होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। मेरे यहाँ पर ये 5 रुपीज़ का एक मिलता है, आप अपने उसमें देख सकते हैं। देखिए जानवी जी, मेरे पास कोई लिंक नहीं है, मैंने परसों भी बताया था बनाना, अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन माई ओल्ड पेज। मैं उस पेज पे ज़्यादा विजिट नहीं करती बिकॉज आई एम वेरी इमोशनली अटैच विद माई ओल्ड पेज। तो आप खुद से एक बार सर्च कर लीजिए, दिवाली के आसपास मैंने सिखाया था और अभी मैंने जब हैंगिंग दिया सिखाया है, हैंगिंग दिया में भी मैंने सिखाया है ये, ठीक है ना। हाँ, इसका पिक मैं शेयर कर दूंगी सभी अपने ग्रुप्स में, जितने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में मैं इसकी पिक शेयर कर दूंगी आफ्टर लाइव, तो आप इस पिक को दिखाकर आराम से ले सकते हैं। एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको करना है ना। मोस्ट वेलकम दीपा जी, 2 से 3 बार आपको प्राइमर करना है, देन आप उस पर काम कर सकते हो। ओके, पिछले सारे डाउट्स क्लियर हो गए आपके। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे मुगल आर्ट, वो हमारा सेम इसी कैनवस पर ही रहेगा और आप इसके यहाँ पीछे एक हैंगिंग क्लैम्प लगा सकते हो हैंग करने के लिए, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी अपना काम स्टार्ट किया होगा। कौन सा काम है आपका? वीडियो को शेयर करने का। तो प्लीज अपना काम पूरी सिंसियरिटी से, पूरी लगन के साथ कीजिए। प्लेट पर प्राइमर के बाद, है ना, आई होप आप लोग अपना काम बहुत सिंसियरिटी के साथ कर रहे होंगे, है ना, मुझे बार बार कहना नहीं पड़ेगा, आप सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारी ये जितनी भी स्टेम्स आ रही है ना, ये सारी स्टेम्स करेंगे सबसे पहले हम। हॉट प्लेट बनाने के लिए प्राइमर किया फिर कलर नहीं हो रहा था, मैम एक बार हॉट प्लेट, जनी जी मतलब क्यों नहीं हो पाया कलर? आप एक काम कीजिए, आप प्लास्टिक प्लेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो प्लास्टिक प्लेट पे सबसे पहले आप टिश्यू पेपर स्टिक कीजिए, ठीक है। टिश्यू पेपर स्टिक करने के बाद आप उस पर 2 लेयर प्राइमर के कर दीजिए। परी बेटा, ये इस वाली कबर्ड में ऊपर जहाँ से ये कैनवस उठाया था वहाँ प्लेट भी है एक, उस पर सर्कल सर्कल बना हुआ है टिश्यू पेपर लगा के, वो दिखाओ। मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ, आई होप कि उस सैंपल से आपको हेल्प मिलेगी, अगर मेरी बेटी को मिल गया वो सैंपल तो। हाँ, ये देखिए, ये प्लास्टिक प्लेट है, ठीक है, आप सबको दिख रहा है ये प्लास्टिक प्लेट है। इसको मैंने कैसे रेडी किया, कलरिंग करने के लिए इस पे मैंने टिश्यू पेपर लगाया, आपको फील हो रहा होगा टिश्यू पेपर लगा हुआ है इस पे, है ना। टिश्यू पेपर लगा के आपको 2 से 3 लेयर प्राइमर के करने हैं, 2 या फिर 3 लेयर प्राइमर के करने हैं, और उसके बाद आप इस पे कोई भी काम कर सकते हो। देखिए कितना नीटली काम हुआ है, एकदम परफेक्ट, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। कोई भी प्लास्टिक प्लेट यूज कर लीजिए और बस टिश्यू पेपर आपका अच्छे से स्टिक होना चाहिए, टिश्यू पेपर की स्टिकिंग में कमी नहीं रखिए, फेविकॉल से अच्छे से स्टिक कीजिए उसको। एक्वाडोर प्राइमर नहीं होता, एक्वाडोर वार्निश होती है, प्राइमर आप कोई भी लीजिए वाटर बेस्ड, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया अब आपका ये डाउट भी कि हम प्लेट पे कैसे कर सकते हैं। अब आप चाहो तो प्लेट पे करो, आप चाहो तो आप इस कैनवस पे करो, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, थोड़ी सी छोटी है प्लेट बट ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप आराम से कर सकते हो। गॉट इट, हम आगे बढ़े क्योंकि मुझे ना अभी साइबर क्राइम ऑफिस ही जाना है,
तो थोड़ा जल्दी करेंगे हम अपना काम ताकि मैं आराम से जा भी सकूं। प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, जितना आपको अच्छा लगे, बस शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, शेयरिंग कर रहे हैं ना आप लोग। चलिए आज हम इसमें करने वाले हैं स्टैम्प्स में कलर। तो सबसे पहले मैं स्टैम्प्स का कलर आपको बता दूं कि हम कौन सा कलर यूज़ कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर डार्क ग्रीन नहीं यूज़ करेंगे और लाइट ग्रीन भी यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सैप ग्रीन। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिए। थैंक यू जिनी जी, हेलो श्रद्धा जी, हेलो रीता जी, प्लीज़ शेयर कर दीजिए सैप ग्रीन। ठीक है, और सैप ग्रीन के साथ हमें चाहिए बिल्कुल स्लाइडली सा ब्लैक। मैं आपको कलर बनाना बता रही हूँ। थैंक यू बेटा, फैन बंद ही कर दो, मेरा कलर सूख जाएगा। इसका प्रिंट, थैंक यू प्रीति जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू मीना जी फॉर शेयरिंग, मीनू जी सॉरी। इसका प्रिंट मैंने इसको ना फ्री हैंड ड्रॉ किया था, तो इसका मेरे पास तो कोई प्रिंट नहीं है। आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए इसका, 12 जैसे हमारी प्लेट होती है, तो ये सिंपल A4 साइज पेपर पे आराम से सिंगल शीट में निकल आएगा इसका प्रिंट आउट। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसका प्रिंट आउट मिल लेने में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रिंट आउट लेना है, कोई कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने सैप ग्रीन ले लिया और अब मैं सैप ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लैक लूँगी। कलर्स मेरे सभी एक्रेलिक हैं, मैं कोई और कलर नहीं यूज़ कर रही, फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स हैं सारे ही मेरे। ठीक है, कोई और कलर मैंने कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। ओके, और कलर्स में पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें पानी वाले कलर्स नहीं लगाने, हमें एकदम थिक कलर्स की ज़रूरत है। ये मेरा ब्लैक कलर है और ये मेरा सैप ग्रीन कलर है। थोड़ा सा सैप ग्रीन और निकाल लेते हैं, क्या पता कम रह जाए। और इसका प्रिंट आउट बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से ले सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। इसके जस्ट बाद हम लोग मुगल आर्ट करेंगे, तो ये आर्ट पे आप अपनी फिनिशिंग मेरे साथ साथ करिए ताकि आपको आगे का काम करने में आसानी रहे। अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो फिर मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होता है जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो, है ना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको आएगा कैसे। करिए थोड़ा थोड़ा सा काम साथ साथ में, है ना। हेलो जीतू जी, थैंक यू सुमन जी फॉर शेयरिंग, हेलो निराली जी, प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए सैप ग्रीन कलर ले लिया मैंने फ्लैट ब्रश में, ध्यान रखिए हमें हर जगह पर दो लेयर्स चाहिए। आज बेस ही सिखा पाऊंगी जस्ट मैं आपको, क्योंकि मुझे सेशन थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना है, मुझे जाना है। स्टिल उन लोगों का कॉल तो आया है बट कुछ अभी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से कुछ, बट हाँ उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है तो आई हैव टू गो। ठीक है, सैप ग्रीन कलर हम कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आ रहा है ना। कलर में पानी नहीं मिलाना कभी, आप लोग डाइल्यूट कलर लगा दो, कहीं पर भी हमें डाइल्यूट शेड नहीं लगाना है। अगर आपका कलर थिक हो जाता है राधिका जी, देन यू ऐड
फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अदरवाइज नो, है ना। डायरेक्ट बॉटल से कलर्स क्यों नहीं लेते, आपका सारा कलर सूख जाएगा बॉटल से अगर आप डायरेक्ट लोगे, और बॉटल से लेने से आपका कलर एक्स्ट्रा भी ख़राब होता है, इसीलिए हमेशा कलर को प्लेट में निकालते हैं। इतनी देर अगर आप बॉटल खुली रखोगे तो एयर के कॉन्टैक्ट में आके सारा कलर स्पॉइल हो जाएगा। कभी भी डायरेक्ट बॉटल से कलर लेकर नहीं करना है। एक एक लेयर कर दीजिए पहले सभी स्टेम्स में। किसी के भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप लोग पूछिए। हमेशा कलर को प्लेट में लीजिए, इक्वल कंसिस्टेंसी बनाइए कलर की और फिर यूज कीजिए। ओके, लाइक दिस। राधे राधे जी, हेलो रितु जी, थैंक यू विनोद जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इवन मैं आपको मिस भी कर रही थी कि शायद आपको लिंक नहीं मिला है मेरे नए इसका, बट थैंक यू मैम। देखिए अब मैंने हल्का सा ब्लैक मिक्स किया है। संयुक्ता जी कोई बात नहीं, वीडियो तो यही है इसी पेज पे, आप आराम से देखिए। हल्का सा ब्लैक और उसको आप एक साइड पे इस तरह से आउटलाइन दे दीजिए। अगर आप फ्लैट ब्रश से नहीं कर सकते तो यू कैन यूज राउंड ब्रश। बट अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और इस तरह से फ्री हैंड काम स्टार्ट कीजिए, तभी आप लोगों को काम में फिनिशिंग आएगा, ठीक है ना। काम में फिनिशिंग हमारी तभी आती है जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, आपकी काम में फिनिशिंग जल्दी ही आएगी अगर आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे। हाँ, सैप ग्रीन एंड अ बिट ऑफ ब्लैक, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखिए आ रही है ना पूरी फिनिशिंग, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और रोज थोड़ा थोड़ा काम जरूर कीजिए तो आपकी फिनिशिंग भी आएगी, काम में क्लैरिटी भी आएगी। यस, बिल्कुल राधिका जी। अर्चना जी फिलहाल तो मैं बना रही हूँ एंड आई होप कि ये बिक जाएगा। बिक जाएगा तो जो जैसे चाहे वो वैसे करेगा, है ना। अच्छा, अब जो पत्ते का ये वाला पार्ट है ये हमारा थोड़ा डार्क कलर है, तो मेरा ये डार्क कलर बना हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर ये वाला डार्क कलर फिलहाल लगा रही हूँ। फर्स्ट लेयर बस हमारा बेस बनाता है और सेकंड लेयर में ही हमारी फिनिशिंग आती है, तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं सोचना कि हमारी फिनिशिंग क्यों नहीं आई। कई बार सेकंड टू थर्ड लेयर में भी फिनिशिंग आती है, कैनवस के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कलर को किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। मीन्स हम लोग थिक कलर यूज़ करते हैं या थिन कलर यूज़ करते हैं, तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है।
ठीक है। मीनल जी कौन से बेस की बात करें, इसका बेस के लिए आप कल का वीडियो देखिए। हेलो मोहन जी, कैनवस तो सभी फ्रेम होते हैं, आपके फ्रेमर से आप बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे फ्रेम करा सकते हो। कैनवस सभी फ्रेम हो जाते हैं, लैमिनेट होगा या फ्रेम होगा वो तो वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना। तो आप एक बार पेंटिंग बना के उनसे पूछ सकते हैं, दे विल गाइड यू बेटर। ये मैंने अमेजोन से ही खरीदा है, नहीं सॉरी, मैं लेकर आई थी दिल्ली में सीताराम स्टेशनर से, और वैसे तो ये सब जगह मिलता है, आप कहीं से भी ले सकते हो। मिनल जी, ये येलो है, गोल्डन येलो के बाद फिर इसके ऊपर गोल्डन कलर किया है, तो कल मैंने पूरा टेक्निक बताया था कलर करने का, आप कल का सेशन देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा, है ना। कल का वीडियो यही इसी पेज पर है, आप एक बार देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और जो लोग मेरे साथ साथ कर रहे हैं वो सभी मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहिए, है ना, सभी मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहिए कि आपका कहाँ तक कितना काम हो गया है, ताकि मैं अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आई विल गाइड यू। अभी मैं कौन सा कलर यूज कर रही हूँ, सैप ग्रीन प्लस ब्लैक, एंड दिस इज अवर फर्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर मैं आपको कल करवाने वाली हूँ, आज फर्स्ट लेयर ही होगी। अब जो यहाँ पर हमें करनी है वो सिर्फ सैप ग्रीन की एक लेयर है, ठीक है। हेलो रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो। कभी भी बॉटल से डायरेक्ट कलर मत लीजिए, कलर को हमेशा प्लेट में निकाल के और तब यूज कीजिए। इट्स नॉट डाइल्यूटेड कलर, ये मेरा थिक कलर है, बट फर्स्ट लेयर है ना, इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। आप अपनी चॉइस से कोई भी फ्लैट ब्रश कितने भी नंबर का ले सकते हैं। प्लीज शेयर द वीडियो, आप लोगों के शेयर से ही ना मेरे को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, बिकॉज हम बहुत पीछे आ गए हैं। हम लोग 12K की फैमिली थे और अभी हम 800-900 की भी फैमिली नहीं बने, तो बहुत लंबा सफर तय करना है हमें फिर से। ठीक है। हेलो आशा जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे, ओके। ये हमारा बेस हो गया पत्तों का और स्टेम्स का। चलिए आगे का बेस करते हैं। ये देखिए, ये सभी मेरे म्यूरल्स क्लासेस के लिए अवेलेबल हैं, अगर कोई ज्वाइन होना चाहता है तो यू कैन ज्वाइन, सभी की क्लासेस अवेलेबल हैं विद वेरी मिनिमम फी। फी बहुत मिनिमम है और क्लासेस विद फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, आपको कभी टाइम का कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप आराम से काम कर सकते हैं। चलिए,
हेलो जी, राधे राधे जी, प्रेरणा जी, थैंक यू सो मच। मैं वाइट कलर निकाल रही हूँ फ्लावर्स के। थोड़ा सा बेस बता दो एक फ्लावर का, है ना। ये सभी म्यूरल्स और पेंटिंग्स अवेलेबल है ऑनलाइन क्लास के लिए, तो आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। बूंद बूंद से, तभी तो कह रही हूँ कि आप वो छोटी छोटी बूंदें डालते रहेंगे ना तो सागर अपने आप भर जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ कि छोटी छोटी बूंदें ना, स्प्रिंकल्स डालते रहिए, तभी तो हमारा सागर भरेगा और हमारी पूरी फैमिली हमें वापस मिलेगी। हेलो जया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। मैं तो खुद इसी बात में बिलीव करती हूँ कि आपका एक एक छोटा छोटा सा स्टेप हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। हेलो सलमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देखिए, हमने क्रिम्जन रेड लिया और क्रिम्जन रेड के साथ व्हाइट मिक्स करके पिंक कलर बनाया। क्रिम्जन रेड और व्हाइट मिक्स करके पिंक कलर बना लिया। बूंद बूंद से सागर भरता है, बिल्कुल सही बात है, और मैं 100% इस बात में बिलीव करती हूँ। हेलो सुनीता जी, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। हेलो सरिता जी, प्रेरणा जी, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं इसके और ये बहुत खूबसूरत म्यूरल है, फुल 3D है, आप देखिए इसको, और बहुत ही खूबसूरत इसकी कलरिंग, और आप इसका वर्क देखिए, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल, और इसका साइज देखिए, बहुत सुंदर है, और फीस बहुत मिनिमम है, और पूरा इसको 3D करना सिखाया है मैंने। ये एटलीस्ट 5 इंचेस एम्बोज है, ये 5 इंच तक बाहर है ये बैकग्राउंड से। ये पूरा इसका जो ये है ना, पूरा झरोखा, ये मैंने पूरा बनाना सिखाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और फी बहुत ही मिनिमम है, बहुत बहुत मिनिमम। आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लगेगा कि एक्सपेंसिव फी ली है मैंने या बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लाइट पिंक का आप एक लेयर कर दीजिए लोटस पे। थैंक यू सलमा जी, थैंक यू सो मच। पूनम जी, आप बस मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगी। 24x36 साइज है इसका, 2 फिट बाय 3 फिट। थैंक यू सो मच, है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगी। हाँ, मेरा नंबर यहाँ पर मैं पिन कर रही हूँ, और फी बहुत मिनिमम है और मैंने बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, बहुत डिटेल में। ये देखिए, हमने लाइट पिंक कर लिया यहाँ पे, एकदम लाइट पिंक है, बिल्कुल लाइट। मैं अभी आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बिगनर्स ही हैं डियर, बिल्कुल कर सकते हो आप आराम से। थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू निराली जी। और मेरा पर्सनल सपोर्ट हमेशा हर स्टूडेंट के साथ हर समय रहता है। मैं तो रात को 10, 11 बजे, 12 बजे तक भी रिप्लाई करती हूँ सबको, तो आप कभी भी आराम से पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। देखिए, इस तरह से करना है आपको, एक एक लेयर आपका फ्लावर पे हो जाए, एक एक लेयर आपका पत्तों पे हो जाए और स्टेम्स पे हो जाए। इतना काम आप लोग जो भी मेरे साथ कर रहे हैं आज खत्म कर लीजिएगा, ताकि कल हम आगे का काम कर सके।
कल मैं आपकी स्टैम्प्स और ये पत्ते और फ्लावर्स कोशिश करूंगी कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, इतना काम आप कर ले और बाकी का काम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, बस प्लीज वीडियो को शेयर करते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू डियर फॉर इतने सारे दिल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों के प्यार से ना मेरी एनर्जी भी बनी रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये देखिए बहुत अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। पूरी फिनिशिंग आएगी आपकी, जैसे बिल्कुल आप रेफरेंस में देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही फिनिशिंग के साथ बनवाऊंगी मैं। बस आप लोग काम मेहनत से कीजिएगा। देखिए बैकग्राउंड आपका कितना अच्छा आ रहा है ना, कहीं पर आपको कोई पैच नहीं दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। तो टेक्निक्स को फॉलो कीजिए कि मैंने कैसे बताया, पहले बेस में येलो लगाना है, देन फिर उस पर गोल्डन करना है। इससे क्या होता है, हमारे गोल्डन के ना पैचेस नहीं आते और काम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हेलो ज्योति जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो ज्योति सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत सुंदर बनेगा हमारा ये आर्ट फॉर्म। और हैंगिंग क्लैम मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप इस तरह का ले लीजिएगा। मैं पिक शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू प्रेरणा जी। ज्योति जी आउटलाइन करना भी मैंने सिखाया है, आप इसका फर्स्ट सेशन देखिए जो कल हुआ था। परी फैन ऑन कर देना। जो कल हुआ था हमारा फर्स्ट सेशन वो देखिए, मैंने उसमें आउटलाइन और बैकग्राउंड दोनों चीजें करवाई हैं, फुल कर दो। ठीक है, कल का सेशन फर्स्ट था वो देखिए। ये 12 इंचेस डायमीटर का है मेरा सर्कल, 12 इंचेस डायमीटर का सर्कल है ये। आप कोई प्लेट यूज करना चाहो तो आप इस तरह की प्लेट यूज कर सकते हो, ये प्लास्टिक प्लेट्स जो हमारे घर में होती हैं। हाँ, विद 000 नंबर ब्रश। ठीक है, इस तरह से आप प्लास्टिक प्लेट यूज कर सकते हैं। प्रेरणा जी कल बताऊंगी मैं अपने अवार्ड्स के बारे में, आज मुझे जाना है साइबर क्राइम के ऑफिस। बस मेरा 3 बजे की वहाँ मीटिंग है। काव के अलावा आप इसमें क्या क्या बना सकते हो? इसमें श्रीनाथ जी का फेस बना सकते हैं, कमल बना सकते हैं, उनके चरण, हस्त मुद्राएं, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये गजराज है, झरोखा है, पिकॉक है, कोई भी क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। इधर गणेशा है, लोटस है और पीछे मेरे स्वैन भी है, तो सभी अवेलेबल हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। और किसी को भी कोई डिटेल लेनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, मैंने नंबर यहाँ पिंग किया हुआ है। और आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, रिसॉल्व तो आई डोंट थिंक कभी होगा, बट स्टिल उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो हैव टू गो। तो इसीलिए मैं जल्दी भी मैंने किया सेशन, और सेशन को थोड़ा शॉर्ट भी किया बिकॉज आई हैव टू गो, बस मैं जा ही रही हूँ। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शेयर करते रहिएगा, है ना, प्लीज़ शेयर करते रहिएगा। आप लोगों के शेयर्स मेरे लिए एनर्जी बूस्टर हैं, तो मेरी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहिए। चलिए राधे राधे जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी और मुझे इतनी देर सुनने के लिए। बहुत हिम्मत लगती है ना किसी को बड़बड़ बड़ बड़ करते हुए सुनना और मैं बोलती जाती हूँ बोलती जाती हूँ। थैंक यू। हेलो सोनी जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम सोनी जी, प्लीज मेरे इस नए पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। चलिए
चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच विनोद मैम, राधे राधे जी, बिल्कुल प्रेरणा जी, थैंक यू, बाय बाय बाय।